नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से लगातार उदयपुर हत्याकांड में जो दो युवक पकड़े गए हैं उसकी सब जगह चर्चा हो रही है और लगातार भर्त्सना भी की जा रही है, चाहे वो हिंदू संगठन हो। हिंदू संगठन तो खैर लगातार जिस तरीके के नारे लगा रहे हैं वो तो सीधा सीधा अपने हाथ में कानून लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही मुस्लिम संगठन जो है लगातार इस तरीके की बात कह रहे हैं कि ऐसे युवक इंसान नहीं हो सकते। जी हाँ, जिस तरीके से उदयपुर में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसका कनेक्शन सीधा सीधा बीजेपी से बताया जा रहा है। जी हाँ, उसकी फोटो भी लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और साथ में गुलाब चंद कटारिया जैसे उनके साथ फोटो जो है वायरल हो रहा है। दोनों एक दूसरे को गले में हार पहना रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? लगातार सभी लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका कनेक्शन आतंकवादियों से कैसे जुड़ जाता है और कैसे उन आतंकवादियों का कनेक्शन कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से मिल जाता है। उसी तरीके से अब जो है हम बात करते हैं, भाई लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उन दो आतंकवादियों में से एक का कनेक्शन बीजेपी के साथ निकल कर आया है। जी हाँ, उसका भी जो कनेक्शन है बीजेपी के साथ निकल कर आया। अब सीधे सीधे जो है बातें सामने आ रही हैं इस तरीके की, लगातार सोशल मीडिया पे ये वायरल कर हो रहा है। लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि वो आईटी सेल का चीफ रह चुका है बीजेपी के। सोचिए ये कनेक्शन और ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं बीजेपी नेताओं के साथ इन आतंकवादियों की फोटो क्या संकेत देती है? क्या ये सब साजिश के तहत है? क्या आरएसएस बीजेपी का एजेंडा ही यही है कि किसी भी तरह भारत के सौहार्द को खराब करना और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर लड़ाते रहना और लगातार इस तरीके से दंगों को जो है हवा देना, क्या बीजेपी का यही काम है? लगातार बीजेपी जो है घेरे में है, लगातार बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। इसी तरीके से एनडीटीवी ने जो है ये न्यूज को दिखाया है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बीजेपी से कथित कनेक्शन वाले लश्कर आतंकी के पास मिला हथियारों का जखीरा, ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 के 75 राउंड और एंटीना। सोचिए ये सब सामान उस व्यक्ति के पास मिला है, उस आतंकवादी के पास से मिला है। सोचिए कितना खतरनाक होगा ये इंसान और कितना जहरीला होगा, किस तरीके से पूरे देश को तबाह करने का काम जो एक पार्टी कर रही है लगातार वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से सभी आतंकवादियों के कहीं ना कहीं खुलासे होकर जो निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस से निकल कर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सारी बीजेपी पार्टी में और प्रवक्ता और नेता खामोश बैठे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने सामने आकर एक टिप्पणी तक नहीं की है और जरूरत भी नहीं समझी है इस बात को सामने आकर बोला जाए या रखा जाए। लगातार इसी तरीके से बीजेपी के साथ कनेक्शन खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, आतंकियों के कनेक्शन के खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से उदयपुर का हो, चाहे हत्याकांड, चाहे ये जम्मू कश्मीर का हो, लगातार इनके खुलासे होते ही जा रहे हैं। उसी तरीके से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इसके पास कितना सारा जो है ग्रेनेड वगैरह मिला है। 87 AK-47 तक मिली है, 75 राउंड की जो है इसमें एंटीना तक मिला है। सोचिए कितने बड़े धमाकों की और साजिश होने वाली थी। सोचिए किस तरीके से हमारे देश को खोखला कर दिया है एक पार्टी ने, लगातार जो है हिंदुत्व के नाम पर। और यही रामराज्य बनाने की क्या सौगात दी जा रही है? यही रामराज्य था, इसी तरीके से इनको सत्ता में आकर यही काम करने थे, ये एक सवाल है। वहीं जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP पे लगातार इस तरीके के आरोप लगाती आ रही थी कि आतंकवादियों को जो है ये पनाह देते हैं, आतंकवादियों को हवा देते हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती की PDP पार्टी के साथ गठबंधन 2017 में गठबंधन बीजेपी ने किया, तो अब जो ये रिश्ते खुलकर आ रहे हैं सामने वो रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। वही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, जम्मू कश्मीर में गांव वालों ने लश्कर के जिन दो आतंकवादियों को पकड़ा है उनमें से एक का संबंध लंबे समय तक भाजपा की आईटी सेल से होने की बात भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने
स्वयं स्वीकार की है। उस आतंकवादी ने 2 महीने पहले ही भाजपा छोड़ी थी। इस मामले की गहन गंभीर जांच हो। सोचिए, जो लगातार ये कनेक्शन सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर से पकड़ा हो चाहे उदयपुर से पकड़ा हो, लगातार ये कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अभी तो देखिए क्या क्या खुलासे होते रहेंगे। वहीं अब आप ये एक तस्वीर देखिए, ये बूढ़ा बुजुर्ग जो बैठा हुआ है इन अफसरों के बीच में, आपको क्या लगता है ये कौन है? कौन है ये आखिर, ये व्यक्ति जो इन अफसरों के बीच में जमीन पर बैठा हुआ है? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़े लोकतंत्र की महान तस्वीर है, जो दिखा रही है कि किस तरीके से अफसरों के बीच एक बुजुर्ग नीचे जमीन पर बैठकर अपनी फरियाद लेकर आया है। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति कौन होगा? ये जो तस्वीर आपने देखी, ये इसी भारत की तस्वीर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी तहसील क्षेत्र तिलोई की है। यहाँ के विधायक भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है, सामने आप देख सकते हैं, जिसमें योगी बाबा लगातार कहते हैं कि हमारे प्रदेश में सभी लोग खुशहाल हैं, खुश हैं, और यहाँ पर सबको समान समझा जाता है। तो समानता की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से समानता दिखाई जा रही है। इस वीडियो में जो महिला को जिंदा जला दिया गया है, ये कोई और नहीं, दलित महिला है। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से दलित शोषित पीड़ितों पर अत्याचार होता जा रहा है, आप देख सकते हैं, और ये गोदी मीडिया यानी कि मनु मीडिया के लिए ये खबर ही नहीं है, ये कहीं पर भी खबरों में नहीं आएगा। इसी तरीके से एक दलित युवक को चारपाई से बांधकर बम से उड़ा दिया जाता है, वो भी मोदी और गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया। ये मनुवादी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं के इशारों पर काम करती है और उन्हीं खबरों को दिखाती है जिनसे इनका एजेंडा चलता है। सोचिए, इनकी खबरों में ये खबरें शामिल ही नहीं है। जिस तरीके से इस महिला को जिंदा जला दिया गया है, ये भी इसी देश की तस्वीर है। सूरज बौद्ध है, उन्होंने ये ट्वीट किया है, कथित ऊंची जाति के हिंदुओं ने खेत पर कब्जे का विरोध करने पर एक आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया। सोचिए, उस महिला को जिंदा तक जला दिया है। पीड़ित 80% झुलस गई है, वो चीखती रही और गुंडे वीडियो बनाते रहे। ये गुनाह जो किया गया है वो मध्य प्रदेश का है। इस आतंकी घटना पर सबके होठ क्यों सिले हुए हैं, ऐसा ट्वीट किया गया है। इससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो उत्तर प्रदेश की थी, उसमें जो है योगी बाबा की सरकार है। अब ये जो तस्वीर, ये वीडियो आपने देखी, ये मध्य प्रदेश का है, ये मामला मध्य प्रदेश का है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। सोचिए, जहां भी बीजेपी की सरकार होती है वहां हिंसा और मारकाट मार पिटाई आम बात हो जाती है। वहीं बजरंग दल वाले और जो अंधभक्त हैं फरसे लेकर रोडों पर गुजरने लगते हैं, ये भी आम बात हो जाती है। ये लगातार जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के द्वारा हो रहा है। ये आप खुद देख लीजिए और खुद तय कीजिए कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है। अभी आपने ये वीडियो में देखा, जिस तरीके से वीडियो बना रहे ये गुंडा लोग, और उसकी खेती पर, उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता है। क्या इस पे कोई संज्ञान लिया जाएगा? क्या इस पे कोई पुलिस सामने आएगी, उसको अरेस्ट करेगी? क्या वहां न्यायालय है? क्या इस देश में लोकतंत्र बाकी रह गया है या नहीं रह गया है? भाई, अब ये दूसरी वीडियो देखिए, किस तरीके से इस महिला को ये युवा, ये आदमी पीट रहा है सरेआम। ये भी जो है ट्वीट किया गया है, छेड़खानी का विरोध करने पर स्वघोषित ऊंची जाति के व्यक्ति ने एक दलित महिला को बेरहमी से मारा और जाति सूचक गालियां दी। ये जो वाक्या है, ये भी गाजीपुर यूपी का मामला है। सोचिए, इस पर भी किसी भी तरीके का संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। ये युवक जाति सूचक गालियां तक दे रहा, उस महिला को सरेआम रोड पर पीटने लग रहा है। क्या किसी तरीके का कानून बाकी रह गया है इस देश में? ये दलित महिला है, इसको भी सरे रहा पीटा जा रहा है, इस युवक को, और बीच में जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, किसी ने बीच बचाव भी नहीं किया। अब जो है देश में जनता इंसान नहीं हैवान बन चुकी है, इस तरीके की घटनाओं की वीडियो बनाते हैं, मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि दूसरे का तमाशा देखने में बहुत मजा आता है। जिस तरीके से लगातार दलित मुस्लिम शोषित पीड़ित लोगों पर लगातार इस तरीके की मारपीट,
और मारने और काटने की धमकियां देना आम बात हो गई है, उनके साथ अत्याचार होना आम बात हो गई है, मूछें रखने पर लगा जो है चाकू गोद कर मार दिया जाता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। लगातार ये घटनाएं जो है इसी देश में हो रही हैं, लेकिन कोई भी जो है बीजेपी की तरफ से सामने आकर नहीं बोलता है, क्योंकि सत्ता में सरकार जिसकी है वही रोब में है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें जनहित आवाज के साथ, और देखते रहें जनहित आवाज। शुक्रिया।